एमपी चुनाव में सिंधिया का दिखा दम। ग्वालियर चंबल संभाग के चुनावी रिजल्ट ने बता दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जलवा है बरकरार। तकरीबन ये तय हो गया है कि एमपी में बीजेपी की सरकार बनेगी, इस पर बस चुनाव आयोग की मुहर लगनी बाकी है। इस चुनाव में एक दिग्गज नेता जिन पर बीजेपी की नज़र तो थी, कांग्रेस की भी नज़र टिकी थी, वो काफी चर्चा में थे। हम बात कर रहे हैं बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की, क्योंकि कांग्रेस के पुराने और काफी पावरफुल नेता होने के बाद भी उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा था और बीजेपी का दामन थामा था। ऐसे में हर किसी की नज़र इस बात पर थी कि इस चुनाव में सिंधिया का अपना दमखम चलता है या फिर पार्टी बदलने का कुछ असर भी होता है। लेकिन एमपी चुनाव में सिंधिया ने अपना ऐसा दम दिखाया है जिसके बाद अब हर कोई उनका कायल जरूर हो जाएगा। इसका सबूत ग्वालियर चंबल के रिजल्ट ने बता दिया है। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग में 8 जिले आते हैं। ये जिले गुना, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, दतिया, अशोकनगर और शिवपुर है। इन 8 जिलों में कुल 34 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हालांकि इन सभी जिलों का फाइनल रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन इस खबर को बनाए जाने तक इन 34 विधानसभा क्षेत्रों में से 26 पर बीजेपी की बढ़त बनी हुई थी। डिटेल में बात करें तो अब तक गुना के 4 सीटों में से 2 पर बीजेपी, मुरैना के 6 जिलों में से बीजेपी 2 पर, कांग्रेस 3 पर और बीएसपी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए थी। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो 34 में से 26 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही थी। सिंधिया का जलवा कैसे बरकरार है, इसको समझने के लिए 2018 के चुनावी रिजल्ट पर नजर डालनी होगी। जाहिर है 2018 में एमपी में जब चुनाव हुए थे तब उस वक्त सिंधिया कांग्रेस में थे। तब ग्वालियर चंबल संभाग के इन्हीं 34 सीटों में से कांग्रेस ने 26 सीटों पर बाजी मारी थी। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी। इस लिहाज से सिंधिया के रहते हुए कांग्रेस को यहां से काफी सीटों का फायदा हुआ था। वहीं इस बार भी तकरीबन इतनी ही या फिर इससे 2-4 सीटें कम या ज्यादा मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं 2018 के चुनाव के बाद 2020 में सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, तब शायद कांग्रेस ने सिंधिया को हल्के में लिया था। कांग्रेस ने मान मनोबल तक करने की कोशिश नहीं की थी। कांग्रेस को शायद यही लग रहा होगा कि ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया का इंडिविजुअल प्रभाव न होकर कांग्रेस की वजह से उनको सफलता मिलती है। लेकिन अब जबकि 2023 में एमपी चुनाव का रिजल्ट सामने आ चुका है और सिंधिया के संभाग से तकरीबन उतनी ही सीटों पर जीत मिलती दिख रही है, उससे ये साफ हो जाता है कि ग्वालियर चंबल की जनता के दिल में सिंधिया के लिए अच्छा खास स्थान है। फिर वह चाहे किसी भी पार्टी में रहे, उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता के बीच में सिंधिया का जलवा बरकरार है। अब कांग्रेस शायद इस बात को समझ चुकी होगी और अपने हाथ मल रही होगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।